आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, और हम वैसे गुजरात में तो 20 साल से रह रहे हैं। अभी तक अपने भाजपा के साथ काम करते थे। अपने अभी 26 जनवरी 2016 से हमारी पार्टी संयुक्त विकास पार्टी चालू हुई है। 6 महीने से मैं संयुक्त विकास पार्टी के साथ हूं, और अभी तक हम तो हमारे होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अफरोज भाई खान, इनके मार्गदर्शन में हमें चलना है और बहुत सारे काम हमें करना है। गया है सूरत विधानसभा, जो 8वां विभाग बोलते हैं, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो मैं पार्टी से इसलिए जुड़ा हूँ कि एक तो मैं आम परिवार से हूँ, और आम आदमी का जो सिंबल है वो मुझे मालूम है कि उसको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए। आज तक मैंने इतनी उम्र में बहुत से सबको देख लिया। मैंने नाम से भी बोलना जरूरी जो नहीं है, अभी आप सबको तो मालूम है, बराबर है। तो एक नयापन चाहिए सबको, एक नया विचार चाहिए, नया रास्ता चाहिए, तभी अपनी गाड़ी, परिवार की गाड़ी, समाज की गाड़ी, देश की गाड़ी मंजिल तक पहुंच पाएगी। इसीलिए मैं ये पार्टी में जुड़ा हूँ, और ये पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, और जिलों जान से मैं काम करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं गुजरात महासचिव हूँ महिला मोर्चा से, और हमारा थिंकिंग यही है कि जो आज महिलाओं के ऊपर, छोटी कन्याओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसी के विरुद्ध हम कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, और हमको ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है। बस पार्टी की चीज़ बेहतर अभी समझ रही हूँ, समझ लूँगी तो फिर आगे कुछ करेंगे। मैं भाई बहन से नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम गीता सिंह है, मैं सूरत से हूँ, देवस्थान का सचिव। मैं इसलिए जुटी हूँ कि जो कन्या पे महिला पर अत्याचार हो रहा, कोई सुधार हो। विकास पार्टी के जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू। मैं रीना जॉन, और महाराष्ट्र की महिला से महासचिव। पार्टी के साथ कैसे जुड़ी, इन्होंने पूछा। पार्टी अच्छी है, सच्ची है, और पूरी ऑनेस्टी से काम कर रही है, तो मतलब अच्छा लगा। डेवलपमेंट चीज अलग है, पब्लिक को क्या मिलना चाहिए वो नहीं मालूम पड़ पा रहा है। पब्लिक को जो चीज चाहिए ना उसको मिल नहीं पा रही है। डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज आपको चाहिए जो मिल नहीं पा रही है मिश्रा जी, जरा वो बताएं। विकास, विकास तो डेवलपमेंट ही तो मैं बोल रही थी। 4 साल से चिल्ला रहे हैं विकास आ रहा है, विकास आ रहा है, हो रहा है, कई जगहों पर तो आ भी गया। देखिए कई जगह से आने से मतलब नहीं होता, बहुत सारी जगह नहीं आया हुआ है, तो वहाँ के पब्लिक तो और थोड़ा वक्त देना पड़ेगा आने। नहीं, वक्त तो देना, बात आपकी सही। क्या आपकी पार्टी अगर सत्ता में आ भी गई तो एक दिन में सारा विकास आ जाएगा? नहीं नहीं, मैं जहाँ पे तकलीफ है वहाँ का पहले सुधार करेंगे। पार्टी छोड़ने का मेन मकसद ये है कि इसमें ज्यादा जाति धर्म और दुनियादारी होने लगी, पहले नहीं। और संयुक्त विकास पार्टी ऐसी है कि अभी हमने स्टार्ट किया है, तो हमको ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि जो जात धर्म की पॉलिसी करे। मिश्रा थे, आप ही आइए, आपको ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर आप जाति धर्म जो इतने चार लोग मिश्रा कांटेक्ट, एक ही चीज नहीं,
आपने कांटेक्ट ये रखा कि चार मिश्रा थे, दूसरे लोगों को आपने छोड़ दिया, कुशवाहा थी मैंने दूसरे लोग थे, मैंने कहा जितने लोग आए थे उसमें से चार मिश्रा लोग नहीं थे, तो जाति धर्म तो यही आपके नहीं सर, और कोई जाति नहीं, आप यहाँ मेरे को दबाना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, चार नहीं थे, चार मिश्रा नहीं थे, दो मिश्रा थे, एक तिवारी थे, एक कुशवाहा थे, दूसरे अभी एम एम बोल रही थे, इसमें क्या एक पटेल थे, चार की काउंटिंग कैसे आपने कर लिया? और मैं तो सोचता हूँ, मेरी सोच ये है कि चार नहीं 40 हो जाए, 400 हो जाए, सभी लोग हो जाए, पार्टी संयुक्त का मतलब क्या है? हमने जात धर्म पर ये हमको लगा नहीं, यहाँ जात धर्म है, अभी आप बोलते हो ना कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, या भाजपा वाले या कोई भी पार्टी, कोई जनेऊ नहीं पहना था, जनेऊ पहन लिया, किसी ने ये देखा कि हिंदू है मुसलमान है ऐसे है वैसे है, तो हम इस चीज से हट कर के हमने ये सोचा कि नहीं, आज हिंदू धर्म सब कुछ है, मुसलमान देख रहे हैं, दुनियादारी देख रहे हैं, कौन क्या देख रहे हैं, ये चीजें आपको अच्छी तरह मालूम है, आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं बताऊं, इसके बोले हम भारतीय नहीं है क्या? तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया हमारे कार्यकर्ता लोगों से या हमारे पदाधिकारियों से, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमको कोई तकलीफ हुई तभी तो हम दूसरी पार्टी में जुड़े, उत्तर प्रदेश से 26 राज्यों में काम चल रहा हमारा संगठन का। तो फंडिंग कहाँ से हो रही है? फंडिंग सब जितने कार्यकर्ता है संगठन के, बड़े लेवल में नई पार्टी जो अभी दिसंबर में लॉन्च हुई है, अभी उसका फंडिंग भी होना चाहिए, केजरीवाल भी लड़ नहीं पाए, तो आप कार्यकर्ता लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा सब कर रहे हैं फंडिंग, बाकी दूसरा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, सबसे पहले तो हमारे भाईजान अफरोज खान साहब जो कि SNVP संयुक्त विकास पार्टी के कर्ता धर्ता अध्यक्ष हैं, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आज हमने अपनी पार्टी के लिए एक नया गाना रिकॉर्ड किया है संयुक्त विकास पार्टी का, जिसका म्यूज़िक भाईजान ने दिया है और मैंने उसको में गाया, और भी हमारी पार्टी के कुछ जो कार्यकर्ता वो भी उसमें हिस्सा ले रहे गा रहे हैं, और क्योंकि मैं शुरू से इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें हम सब मिल के हिंदुस्तानी जो भी आपस में जो हमारा भाईचारा है संयुक्त विकास, उसमें सबका विकास हो। जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरी तरफ अरविंदर सिंह जी हैं सिंगर कंपोज़र म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे बड़े भाई, दोनों भाइयों के बीच में मैं अफरोज खान। आज का दिन संयुक्त विकास पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि आज लता मंगेशकर जी के स्टूडियो में टाइटल है आएगी आएगी संयुक्त विकास पार्टी, जिसको लिखा है हमारे कैलाश कुमार कौशल जी बड़े भाई ने, बड़ा अच्छा लिखा है, और कौशल फिल्म प्रोडक्शन द्वारा ये गाने को लॉन्च भी हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि जैसा हम चाहते थे कि अरविंदर भाई इस गाने को, आपको भी इनके साथ और भी सिंगर गा रहे हैं, अक्षय उपाध्याय और भी सिंगर हैं बहुत सारे, तो सब मिल के इनके जो इनकी जो एंट्री हम लोग कर रहे हैं वो देश हित के लिए गाना है, क्योंकि देश में जो हो रहा है जिस तरह से उनको एक बताने के लिए देश की जनता को हम लोग संगीत के माध्यम से और इसके बाद इसका विजुअल भी करेंगे। विकास पार्टी का उपाध्यक्ष से हमारी पार्टी का सॉन्ग आएगी आएगी, जिसको हमारे भाई ने गाना गाया अरविंदर सिंह जी ने, और म्यूजिक अफरोज भाई का है, कमाल का सॉन्ग बना है, और हमारी पार्टी जो अग्रसर हो रही है हर क्षेत्र से हमारे देश में, बड़ी खुशी की बात है, और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है, ये मिलता रहे हमेशा, हमारी पार्टी जो एक स्वच्छ पार्टी है, इसमें ना ही कोई दबंग है और ना ही कोई तुफ और तलवार वाला है, हम सब प्यार वाले हैं और मेहनती हैं, मजदूर हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपने पार्टी को एक बड़ा ही मजबूती के साथ अपने देश को सुरक्षा प्रदान करें। सर, हमारे भारत देश को स्वतंत्र हुए 60 साल लगभग हो चुके हैं, और जब वो परतंत्र था और परतंत्रता से की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत जद्दोजहद किया और आज़ादी पाई, आज़ादी पाने के उपरांत कांग्रेस का शासन आया, लंबे समय तक शासन किया, लेकिन परिवर्तन जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। इसके बाद बीजेपी का शासन आया, बीजेपी से जो उम्मीद थी
हमारे देश के नवयुवकों ने सीधा हमला करेंगे और हमारी पार्टी देश में राज करेगी, आगे चलेगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।